पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद नहीं थम रही हिंसा, हुगली बीजेपी के विजय रैली पर बम से हमला। छह ब्लास्ट के बाद धुआं धुआं हुआ इलाका, बीजेपी ने लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। टीएमसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी पर आरोप, बीच बाद इलाके में माहौल खराब कर रही बीजेपी। हुगली के बालीपुर बाजार में हुई हिंसा, दुकानदारों में टेंशन। 24 परगना के बिराती में एक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। जय श्रीराम पर बीजेपी टीएमसी में कोहराम जारी, 24 परगना में झड़प में 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई। टीएमसी नेता विधान विश्वास और उनके समर्थकों पर लगा बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप। टीएमसी गुंडागर्दी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया निमाता पुलिस चौकी पर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। ममता ने उत्तर 24 परगना के नैहाटी में टीएमसी के दफ्तर पर दोबारा जमाया कब्जा, रैली के बाद खुद कब्जा जमाने पहुंची। ममता ने अपने सामने तोड़वाए ताले, दीवार पर अपनी पार्टी का चिन्ह पेंट किया, पार्टी का नाम भी लिखा। ममता के निर्देश पर भगवा रंग और कमल का निशान हटाया, पार्टी दफ्तर में पोती गई सफेदी। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में आज दोपहर टीएमसी कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर होगी चर्चा। जय श्रीराम विवाद में बीजेपी पर ममता का पलटवार, कहा मुझे किसी नारे से दिक्कत नहीं, बीजेपी ने धार्मिक नारे को बनाया पार्टी का नारा। फेसबुक पोस्ट में ममता ने कहा धर्म और राजनीति में घालमेल कर रही बीजेपी, देश की जनता मजबूती से देश का जवाब। बीजेपी पर टीएमसी विधायक और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी का हमला, कहा जय श्रीराम के नारे लगवाने के लिए युवाओं को पैसे दे रही है बीजेपी। राम मंदिर मुद्दे पर अगली रणनीति तय करने के लिए अयोध्या में आज साधु संतों की बैठक, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन पर जुटेंगे साधु संत। 7 से 15 जून के बीच बनेगा जन्मदिन का जश्न, 15 जून के बाद राम मंदिर मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। बैठक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित राम मंदिर से जुड़े साधु संतों को बुलाया गया, शाम 5 बजे होगी बैठक। संतों की बैठक पर बोले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी, ऐसी बैठक का कोई मतलब नहीं। दिल्ली में नगर निगम और 7 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद बीजेपी की नजर 2020 के विधानसभा चुनाव पर, पार्टी ने 7 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। सीएम केजरीवाल का चुनावी प्लान, दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त सफर का सीएम केजरीवाल कर सकते हैं ऐलान, आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली मेट्रो और डीटीसी को महिलाओं के लिए मुफ्त करने पर 1200 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान, दिल्ली सरकार कर सकती है भरपाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साइकिल से पहुंचे मंत्रालय, संभाला पदभार। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संभाला पदभार, पहुंचे मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग का लिया चार्ज। स्मृति ईरानी ने भी महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाला। गृह मंत्री अमित शाह की आंतरिक सुरक्षा पर बैठक जारी, एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ बैठक में मौजूद। बतौर रक्षा मंत्री आज जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर राजनाथ सिंह पहुंचे सियाचिन, श्रीनगर लौटकर सुरक्षा को लेकर करेंगे अहम बैठक। सियाचिन में राजनाथ करेंगे सैनिकों से मुलाकात, करीब 3 घंटे बिताने के बाद श्रीनगर के बादामी बाग कैंप में सेना के आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर घाटी में 2 स्थानीय आतंकियों का सफाया, शोपिया में चित्रगाम में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के काफिले को बनाया निशाना, जवाबी गोलाबारी में ढेर हुए दोनों आतंकी। वर्ल्ड साइकिल डे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज साइकिल से पहुंचे दफ्तर। मायावती कर रही लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा, दिल्ली में बीएसपी पदाधिकारी संग बैठक जारी। मायावती पार्टी में कर सकती हैं बड़े बदलाव, आज की बैठक में बीएसपी के नव निर्वाचित सांसदों को भी बुलाया। रविवार को बीएसपी ने राजस्थान मध्यप्रदेश को लेकर समीक्षा बैठक की, दोनों राज्यों के प्रभारियों को हटाया गया। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव करेंगे रैली, जीत पर जताएंगे आभार, यहीं से यूपी दौरे की करेंगे शुरुआत। गुजरात के नरोदा में बीजेपी विधायक बलराम थवानी का महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, विधायक ने बाद में मांगी माफी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, 25 लोग घायल, बेकाबू डबल डेकर बस पलटी। संभल में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 1 तस्कर और 1 कांस्टेबल घायल, अस्पताल में भर्ती। मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर फरार, पुलिस ने हथियार और मास्क किया बरामद। जम्मू में रेलवे स्टेशन के करीब रोहिंग्या कैंप में लगी आग, 150 झुग्गियां जलकर खाक। मुजफ्फरपुर में युवती से छेड़खानी, युवक को पड़ी महंगी, डंडे से पीटते हुए आरोपी को पहुंचाया थाने। उड़ीसा के कालाहांडी में पलटी बस, 20 यात्री घायल। बेंगलुरु के विभूतिपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात, 1 शख्स ने बेटे और पत्नी के लिए जान। एवान ने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकाकर पत्नी को आत्महत्या के लिए किया मजबूर, बेटे की गई जान, बेटे के मोबाइल में शूट से हुआ खुलासा। लखनऊ के कल्याण अपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी, 8वीं मंजिल से लगाई छलांग। रांची में 1 शख्स का मिला शव, सर में लगी थी गोली, पास से पड़ा था हथियार। दिल्ली में आज सुबह गर्मी से थोड़ी राहत, 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आशंका, कल दिल्ली समेत एनसीआर में आंधी और बारिश का अनुमान। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में पानी की किल्लत, लेकिन दिल्ली कैंट की किरबी प्लेस में नाले बिगड़कर बर्बाद हो रहा है पानी। पुणे के जेजुरी भगवान में मंदिर खंडोपा पर की गई हल्दी की बौछार, सूखे के चलते जलाभिषेक के लिए टैंकर के पानी का हुआ इस्तेमाल। अल्मोड़ा के में भारी बारिश के बाद आई आफत, कीचड़ का सना बहादरिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।